चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे बोला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व। तो बच्चा इन्फॉर्मेशन हमारा कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो बच्चा सबसे पहले हमें स्टार्ट कैसे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें तो क्लियर ही है। तो आप बोलोगे सर लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ ध्यान से देखोगे तो मिडल टर्म स्प्लिट करके ही दिया हुआ है, चार टर्म में ही हमारा आंसर है। तो बच्चा हम आगे जा सकते हैं, कॉमन निकालना सीधा, तो यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये हमारा बी स्क्वायर है, यहाँ से आप बोलोगे सर ये x निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? तो पहले आप बोलोगे सर ए स्क्वायर एज इट इज़, बी स्क्वायर तो निकल गया, यहाँ x कॉमन निकल गया है तो बचेगा एक एक्स स्क्वायर में से एक निकल जाएगा x, तो बचेगा x, यहाँ सब कुछ निकल गया है तो प्लस वन के हमने ये प्लस वन लिख दिया। उसके बाद बच्चा यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ माइनस वन कॉमन निकालेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान में रखना है जब भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे ये हो जाता है तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखो ए स्क्वायर एक्स प्लस वन और दूसरे में लिखोगे एक्स बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर करते हैं ज़ीरो के साथ, ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे एक्स बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स ये माइनस वन हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये लिखेंगे हमने वन दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो बच्चा तो ये हमने स्टेप लिख दिया, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो हमारा आंसर आया था वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वन अपॉन बी स्क्वायर। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हो गया। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, ध्यान जो रखना था दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए और हमारे ब्रैकेट सेम आ रहे तो हम आगे बढ़ गए। क्लियर है बच्चा? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए।